वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास परमजीत सिंह पट्टी, पिंड डसका, जिला संगरूर, तहसील लहरा काका। हर ऐतवार नूं पिंड डसके दे विच आपां मरीजां नूं मिलदे हां, जिहड़े छोटियां तों लैके वड्डियां बीमारियां दे नाल कई कई सालां तों जूझ रहे आ, ठीक नहीं हो रहे, दवाइयां खा के अक थक चुके आ, शरीर नूं होर खराब कर रहे आ, कितों ठीक नहीं हो रहे, दवाइयां नहीं लग रहीआं, तां उह हर ऐतवार नूं पिंड डसके दे विच मैनूं मिल के नवज दिखा के देसी जड़ी बूटियां दे नाल बनियां होईआं दवाइयां दे नाल अपने रोगां दा गरंटी दे नाल इलाज करवा सकते हो। ये जेड़ा डसका पिंड है, ये संगरूर जिले का पिंड है, तहसील है जेड़ी वो लहरा गग है, नेड़े शहर बुढ़लाटा भी है, बरेटा भी है, सुनाम भी है, तो लहरा गागा भी है, ये नेड़े शहर ने। हर ऐतवार नूं सवेरे 7 बजे तो लैके शाम के 7 बजे तक आप मरीजां नूं मिलते हैं। तुसी मैनूं मिल के अपनियां नब्ज दिखा के देसी जड़ी बूटियां नाल बनिया हुई दवाइया दे नाल अपने रोगों का गरंटी दे नाल इलाज करवा सकते हो। सो अज जिस विषय च मैं तुहाडे सामने आया वो है बवासीर, चाहे खूनी है, चाहे बादी है, चाहे मौकियां वाली है, चाहे फोड़े वाली भुगंदर है, चार पंज तरह की यह बवासीर मनी गई है। सो ये जिन्निया भी तरह की बवासीर है, वैसे तो प्रसिद्ध तो चार तरह की हुई है, पर जिवें जिवें वेखण दे विच आउंदा है कई वारी भगंदर है जिहड़ा फोड़ा हो जाता है, ये भी एक बवासीर च असीं मन्नदे आ। सो बवासीर भावें किवें दी भी है, चाहे खून वाली है, चाहे दर्द वाली है, चाहे मौकियां वाली है, तो चाहे मस्सा बाहर आउंदा है, तो चाहे भगंदर है, ये पंज तरह की चो भावें दी जिहड़ी मर्जी बवासीर है, डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन तो बिना कोई इलाज नहीं, तो असी गरंटी दे नाल एक महीने दे विच जिड्डी मर्जी बवासीर पुरानी है, जिड्डी मर्जी है, एक महीने दे विच बिल्कुल ओके कर देने, 3 महीने दवाई खवाने ता जो दुबारे कदे जिंदगी च दिक्कत ना आवे बवासीर दी, कोई ऑपरेशन कराने की लोड़ नहीं, गरंटी दे नाल बवासीर का इलाज हुंदा है, चाहे वह जिड़ी मर्जी है। सो जिहड़ी दवाई असी तुहानू देने आ ओह नोट कर लो, तुसी घरे भी बना सकते हो, अगे मरीजां नूं भी दे सकते हो। सो इहदे विच जिहड़ियां चीज़ां लैणियां ने ओह थोड़ियां जिहियां काफ़ी हुंदियां ने, इस करके मैं तुहानू बोल दिंदा ओह नोट कर लो, एक मात्रा दी ले लिओ। हाँ जी, इहदे विच जिहड़ी लैणी है चित्रक 50 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, शुद्ध कीते हुए भलावें 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, पिपला मूल 50 ग्राम, चिट्टा जीरा 50 ग्राम, चब 50 ग्राम, जिमी गंद जिहड़ा वह लैना है 50 ग्राम, तो जवार खार है जिहड़ी वह लैनी है 50 ग्राम, हल्दी लैनी है 50 ग्राम, कौड़ी जिहड़ी तोरी हुंदी है ये सुकी हुई लैनी है 50 ग्राम, तो इस तरह अक दे पत्ते सुका लेने है वह लैने है 50 ग्राम, सहजने की जड़ 50 ग्राम, बाओ बड़िंग 50 ग्राम, इस तरह दाल चीनी है जिहड़ी वह भी तुसी लैनी है 50 ग्राम, तो हड़ताल वर्किया लैनी है 50 ग्राम, तो सत्यानासी लैनी है 50 ग्राम, त्रिफला 50 ग्राम, वेदारा 50 ग्राम, हिंग बीज 50 ग्राम, तो इलाची 50 ग्राम छोटी, इस तरह पिपला लाख ले जिहड़ी वह लैनी है 50 ग्राम, मजीठ 50 ग्राम, नागर मोथा 100 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, रसौंत 50 ग्राम, नाग केसर 50 ग्राम, चित्रक है जिहड़ी 50 ग्राम, अजमोद 50 ग्राम, त्रिफला 50 ग्राम, तज 50 ग्राम, पुत्र जीविका जिहड़े बीज ने वह 50 ग्राम, बच 50 ग्राम, हिंग 50 ग्राम, जौ इंद्र जौ ने जिहड़े वह 50 ग्राम, तो सौंफ 50 ग्राम, बिलगिरी 50 ग्राम, गंधक शुद्ध की हुई 50 ग्राम, तो तालमेश्वर है जिहड़ा वह लैना 50 ग्राम, तो इस तरह काती सार है जिहड़ा वह 50 ग्राम, पिपल 50 ग्राम, तो इस तरह सिंगी मोहरा 50 ग्राम, सुहागा 50 ग्राम, जौखार 50 ग्राम, थोहर का दुध है जिहड़ा वह सुकया होया जिवें बोड़ का दुध मिल जाता पंसारियां दे 10 ग्राम, काओ फल 50 ग्राम, तो वेधारा जिहड़ा जा देवदार है जिहड़ा वह 50 ग्राम, चंदन 50 ग्राम, रसौंत 50 ग्राम, कमल 50 ग्राम, सरनै 50 ग्राम,
ਮਜੀਠ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਟੇਰੀ ਛੋਟੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਚੌਕਰਸ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਟੈਰੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਦਾਰੂ ਹਲਦੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੱਟੇ ਲੱਸੀ ਨਾਲ। ਦੋ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਦਿਓ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੂਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਗੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਗਰੰਟੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਸਟਾਮ ਪੇਪਰ 'ਤੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ। ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਔਰ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਮੈਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮੀਟ, ਆਂਡਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪਗੰਦਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅੰਬ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਗੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਗੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਗੰਦਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।